जब मेरे आका कह रही थी माए आए जब मेरे आका कह रही थी माए आए जब मेरे आका कह रही थी माए आए जब मेरे आका कह रही थी माए क्या दफन अब नहीं होंगी अरे बेटियां मदीने में दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने। आज का दिन हमारे और आपके लिए बड़ी ही खुशनसीबी का दिन है और हमारे और आपके दिलों में हमारा और आपका दिल खुशी और मसर्रत से लबरेज है और हमारे इतनी खुशी और मसर्रत है जिसको मेरी जुबान बयान करने से आजिज व कासिर है। आज हमारे और आपके दिल में जोश व उमंग की अंगड़ाइया ले रही है। जो बच्चे शोर गुल कर रहे हो आराम से बैठ जाए आराम से बैठ जाए। हमारे और आपके दिल में जोश व उमंग की अंगड़ाइया ले रही है। आखिर ऐसा क्यों ना हो कि हमारे और आपके दरमियान हमारे इस गांव के माननीय मंत्री जी तशरीफ फरमा है। मैं अपनी तरफ से और जुमला असाज़दा इकराम की तरफ से और आप तमाम लोगों की तरफ से पुरजोर इस्तकबाल करता हूं और मैं अराकीन मदरसा से गुजारिश करता हूं कि माननीय मंत्री जी का मालों के जरिए से सम्मान किया जाए उनका। जनाब सेक्रेटरी ग्यासुद्दीन साहब सदर मुस्तफ़ा साहब हज़रत मौलाना इम्तियाज़ साहब हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब हज़रत मौलाना दाऊद साहब हज़रत मौलाना साबिर साहब ये सारे के सारे लोग मालों के ज़रिए से हमारे माननीय मंत्री जी का सम्मान किया जाए और मदरसे की तरफ से और बाशिंदा ने गमहरिया की तरफ से अहले गमहरिया की तरफ से मैं पुरजोर इस्तकबाल करता हूं माननीय मंत्री जी का। आज माननीय मंत्री जी के पास दावत पहुंची बहुत मशगूल थे फिर भी जब वो सुने कि हमारे मदरसे के अंदर प्रोग्राम हो रहा है बच्चों का तो अपने तमाम जरूरियात को छोड़ करके और अपने वक्त को फारिग किया। मैं माननीय मंत्री जी का बेहद शुक्रगुजार हूं और मैं आपका बहुत ज़्यादा एहसान मंद हूँ कि आपने अपने वक्त को निकाला आपने अपने वक्त को फारिग किया। हजरात सामेईन जिस जगह से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ
या बात कर रहा हूँ। ये मंजिल दारुल कुरान के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर हिफ्स के बच्चे अरबी दर्जात लगेंगे। इस इमारत के अंदर हमारे माननीय मंत्री जी का अच्छा खासा तवज्जो रहा है, बल्कि अपनी तमाम तर तगोदो, अपनी तमाम तर कोशिशें, अपनी तमाम तर लगन इस इमारत को बनाने में लगा दी। अल्लाह ताला माननीय मंत्री जी को अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला अजर अता फरमाए। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस इमारत का अपने शुभ हाथों के जरिए से इफ्तिताह करें।